सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। बस स्टैंड पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। छतरपुर बस स्टैंड पर 7 मार्च को गोली चलाकर दहशत फैलाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनमें से 2 शातिर बदमाशों का शहर में जुलूस निकाला ताकि समाज में इनका भय खत्म हो। हम आपको बता दें कि बस संचालन में अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से एक बस कर्मचारियों को छुरा मारकर फायरिंग की थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने CCTV फुटेज एवं घायल फरियादी भीम अहवार की बताई गई जानकारी पर आरोपियों की तलाश कर 6 में से 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। 2 आरोपियों को पुलिस तलाश रही है और समाज में आरोपियों की दहशत कम हो इसलिए पुलिस ने 2 आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। सर, किस तरह के आरोपी को अभियान में लिया गया? सर, किस तरह की कार्रवाई की है? क्या अपराध किया है? ये हाल ही में बस स्टैंड में घटित हुई फायरिंग चाकूबाजी की घटना में कोतवाली थाने में 108/24 अपराध दर्ज किया गया है। इसी अपराध की विवेचना में 2 आरोपियों को अभी रक्षा में लेके अभी पूछताछ और अग्रिम विवेचना कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। जान की मारने की नियत से हमला करना 307 एवं अन्य धाराओं पर मामला दर्ज। पहले से सर कोई अपराध? अभी उसकी डिटेल्स निकाल के देखें।